Hello, coming back to you once again. And I'm going to rub this off again. And then I'll come back to different types of sentences. ओहो अरे यार ये तुम्हें अच्छा ठीक है, इसको भी तो बैठाना है। ओहो अरे एक तो मेरा चीज ये हो गया आज तो अजय 25 तारीख है ना यार, आज 25 तारीख है, ट्यूजडे। राइट, बैक अगेन। मैं अभी 14 सेंटेंस बनाऊंगा। क्यों ना ऐसा किया जाए कि 14 ही क्वेश्चन मार्क का सेंटेंस बनाए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, इज वेरी इंपॉर्टेंट। शुरू करते हैं कहीं से, आप लोग समझिए बड़ा काम का चीज़ होगा। व्हाट्स योर नेम क्वेश्चन मार्क, ठीक है। व्हाट्स योर नेम मतलब एपोस्ट्रोफियस, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। व्हेन यू वर बॉर्न, कब पैदा हुए थे। अच्छा चलेगा ये, चलो। हाउ फार डू यू लिव, कितना दूर रहते हो। व्हाट सॉर्ट ऑफ फूड यू टेक, क्वेश्चन मार्क। व्हाट सॉर्ट ऑफ फूड यू टेक, किस तरह खाना खाते हो। Thank you.
डिड यू रीच इन टाइम, क्या वक्त में पहुँचे थे क्या? सपोज़ कुछ घटना घटी है, किसी ने किसी को डिबार कर दिया, मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, तो कोई कहता है देखो ना नहीं हुआ, एंड नहीं करने दिया। एग्जामिनेशन हॉल में लड़का आया करीब 15-20 मिनट्स लेट, गार्ड वहाँ पर था, नहीं यू कैन नॉट स्टेप इन, और एग्ज़ाम शुरू हो चुका है। बहुत सर पटका, बहुत रोया, बहुत कुछ किया, स्टार्टेड क्राइंग, इसे आई एम कमिंग फ्रॉम फार अवे प्लेस, हमको जाने दो अंदर, नो ही वॉज नॉट अलाउड टू गेट इन। तो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग उस समय यही प्रश्न पूछेंगे, डिड यू रीच इन टाइम या वर यू इन टाइम, राइट? डिड यू रीच इन टाइम मतलब क्या समय पे पहुँचे थे, रीच मतलब पहुँचना, डिड यू रीच इन टाइम क्या समय पे पहुँचे थे, व्हेन एग्जैक्टली इट हैपेंड, किस समय ये घटना घटी, when exactly this happened or when exactly the accident took place, what happened, this person called you, what happened when he was running away with the suitcase, aap ek sentence se 50 sentences bana sakte hain. Aur yahan bol rahe hain hum kaun sa interrogative sentence, interrogative sentence, sentence. To interrogative, इंटरोगेटिव, पांच बार करें आपको बैक ऑफ द माइंड पे आ जाएगा एकदम, राइट? आप केवल इंट्रोगेशन नहीं बोल पाते हैं, बोले इंटरोगेशन, इंट्रोगेशन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बिकॉज ये इंट्रोगेशन हो जाता है नाउन, राइट, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और इंट्रोगेटिव हो जाता है एडजेक्टिव। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसका जादू को समझ लेंगे ना आपका इंग्लिश 90% के मालिक आप बन जाते हैं। आप आज 100% डार्क में है, अब 90% रोशनी आ जाएगी आपको, सिर्फ एक चीज़ में ये है, तीन चार चीज़ को आप याद रखिएगा, आपका इंग्लिश यहाँ से यहाँ चला जाएगा देखते देखते। पहला है इंग्लिश इज़ द पावर ऑफ लाइफ, बिलीव कीजिए, मानिए इसको, उसको समझ लीजिए, अंग्रेजी ज़िंदगी का पावर है, समझने पर है। भगवान का मूर्ति लगा हुआ है, आप समझते हैं भगवान बसे हुए हैं, भगवान को पूजा करते हैं, गॉड द ऑलमाइटी, गॉड द ऑलमाइटी, सही? रमज़ान में आप पूजा करते हैं, आप अल्लाह को मानते हैं, तो अल्लाह को बुलाते हैं और सब दिल से बुलाते हैं, तो आपको वो अंदर से एक फीलिंग्स है कि हाँ ये बात सत है, वो मैं कर रहा हूँ। इट इज़ ट्रू दैट द इंग्लिश इज़ पावर ऑफ लाइफ, उसको आप सोचेंगे तो आपको ज़िंदगी में बिल्कुल आपको बरकत मिलेगी। तो उसी लिए हम कह रहे हैं जब आप इस चीज़ को समझेंगे आप 90% प्रॉब्लम 6 महीने में दूर, जो आप भटके हुए हैं 20 साल से, 15 साल से, 18 साल से, अब मेरा स्टूडेंट है 23 साल से उसको इंग्लिश नहीं हो रहा है, 23 साल से रोज़ रात को पढ़ता है इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, और अभी जब हम दिखाए हैं वो कहता है सर जो 20 साल में नहीं जाना 6 महीने में आपके पास से हम सीख लिए, और उसको हम क्वेश्चन करते हैं, टक 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 जवाब दे रहा है, फ़ोन पे बात होता है, हम पूछते हैं, बोलते हैं शाबाश, वेरी गुड, वेल डन, अब तुम सीख चुके हो, तुम तो हमसे भी अच्छा, तुम हमसे भी आगे बढ़ सकते हो। तो मस्ती करता है कि नहीं सर आपसे आगे कैसे जाएंगे, मतलब कोई लिखा हुआ नहीं है कि हम गुरु गुरु होता है चीनी चेला हो, मैंने चेला चीनी हो जाता है, राइट? तो ये भी कहावत है। तो मुझे कोई गम नहीं है मेरे स्टूडेंट अगर हमसे आगे निकल जाए, हम ऐसा नहीं करेंगे, टांग नहीं अड़ाएंगे कि बेटा हमसे आगे भाग रहे हो, टांग मार देंगे, जस्ट पुट योर लेग्स, क्रॉस योर लेग्स एंड ही इज गोइंग टू टंबल ऑफ, अपसाइड डाउन उलट के गिरेगा, कि हमसे सब कुछ करो, हमसे आगे मत बढ़ो, लेकिन आई एम नॉट अ मैन लाइक दैट, हमसे आगे बढ़ो, बहुत आगे बढ़ो, हम तुमको मदद करेंगे, राइट? नाउ व्हेन एग्जैक्टली इट हैपेंड, वेयर इज द केस गॉन, कहाँ चला गया, कहाँ पर, वहाँ कह रहा है वेयर इज द केस गॉन, कहाँ पर चला गया, सामान है, सूटकेस बोलो, कलम बोलो, पेपर बोलो, ये बोलो, टेबल बोलो, कोई घसका के उधर ले गया है, वेयर इज टेबल गॉन, वेयर इज द गॉन, वेयर इज द बुक, हु हैज टेकन द बुक, आई एम वेटिंग फॉर द बुक, आई नीड द बुक राइट नाउ, हम किताब को अभी थोड़ा चाहते हैं, आई वुड टेक अ क्लास विद द हेल्प ऑफ द बुक, किताब देख के हम क्लास करेंगे।
तो आप एकदम बिल्कुल फराटेदार तरीके से बोलिए, ग्रामर का मिस्टेक्स होते हैं नहीं कोई बात नहीं, हम लोग अंग्रेज नहीं हैं, अंग्रेज लोग जब इतना मिस्टेक करते हैं तो इतना तो माफ़ी हम लोग के लिए है ही है। आप इंडियन हैं इसका मतलब नहीं कि आप परफेक्ट हैं, यू मे बी रॉन्ग। जब इंग्लिश मैन लोग इम्परफेक्ट हैं, गलती करते हैं, हमको गलती सुधारना पड़ता था, और उसके बाद वो जब स्कूल में जाकर पूछता था, कहता था यू आर राइट, हमसे कहता था कि यस फ्रेंड यू आर राइट, तो हम बड़ाई नहीं कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि आपका इंग्लिश अगर अच्छा हो तो आप किसी को मदद कर सकते हैं, यू कैन हेल्प, हेल्प योर ब्रदर्स, यंगर्स, योर पीपल, योर फ्रेंड, योर कलीग्स, योर रिलेटिव्स, योर पीपल लिविंग अराउंड यू, सबको आप मदद कर सकते हैं, राइट, देयर इज नो हार्म इन दैट। क्योंकि पहले हम लिखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, तो मेरा ये पूरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होगा। Where did you go in the morning? सुबह सुबह कहाँ निकल गए थे? Did you go to the gym? Did you go to the gym? Gym में गए थे क्या? Again a question mark. I beg your pardon. Right? Question mark. Is the instructor there or still there? Is the instructor there or still there? वो अभी भी वो है क्या? कि अभी भी है क्या? Is the instructor there? है क्या? Still there? अभी भी है क्या? तो still भी, right? When it is going to get closed, कब होने वाला, बंद होने वाला है, क्या बंद होने, कुछ भी, स्कूल बंद होने वाला, कॉलेज बंद होने वाला, क्लब बंद होने वाला है, जिम बंद होने वाला, स्विमिंग बंद होने वाला है, राइट, एक एक ठो काम होता है तो बहुत इन्जॉय होता है, आप पढ़ाई करते हैं, मन ला के पढ़ाई करते हैं, तो आपको कहता है कम ऑन इट्स अ टाइम टू गो, नो इट्स नॉट टाइम, इट्स टू आवर्स लेफ्ट, आपके दो घंटा बचा, कहाँ टाइम है, अभी टाइम तो है बहुत, बहुत टाइम है, वो व्हाट्स द टाइम नाउ, कितना घड़ियाँ बज रहा है, बोले इस 4 o'clock, प्लेंटी ऑफ टाइम, 5 बजे 5:30 बजे लाइब्रेरी बंद होगा, अभी 4 बज रहा है तो हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम, व्हाई डू यू नो बॉदर मी, हमको डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, अभी 4 बजे तुम कह रहे हो चलो चलो चलो, नो आई एम नॉट गोइंग टू गो नाउ, हाउ लॉन्ग यू टू गोइंग टू स्टे हियर, कितना देर तक यहाँ रहोगे, तो आप सब लगा दें इसमें, वेन यू वॉन्ट टू गो, वेन यू वॉन्ट टू ईट, वेन यू वॉन्ट टू स्लीप, वेन यू वॉन्ट टू गो, वेन यू द कंपनी इज क्लोजिंग, आप भड़मार कर दें यहाँ पर, 3 नहीं 73 बना दें एकदम, तो बना देते हैं, 14 बनाना है तो बना देते हैं, राइट। व्हाट टाइम डज इट ओपन, डज इट ओपन, किस समय खुलता है, व्हाट टाइम डज इट ओपन, डज इट, इट मतलब क्या, जिम, स्कूल, कॉलेज, प्लेग्राउंड, बहुत जगह पे बंद रहता है, ताला बंद रहता है, जाके देखते हो खेलना है तो बंद है, स्विमिंग पूल है तो बंद है, आज स्विमिंग पूल में वाटर नहीं है, देयर इज नो वाटर इन द स्विमिंग पूल, ओ माय गॉड, वेयर इज द पर्सन इन चार्ज, जो इंचार्ज है वो कहाँ चला गया, कहाँ गायब हो गया, व्हाई डिड ही नॉट पुट द वाटर इन टाइम, उसको पता है कि हम लोग 4 बजे आएंगे स्विमिंग करने के लिए, उसको 2 बजे वाटर बना के रखना चाहिए था, तो तुम क्वेश्चन जो कह रहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप 1 नहीं 1 लाख बना सकते हैं, अब बना सकते हैं तो बोल भी सकते हैं, and that is what I am saying you, you must question yourself, can I do it, question mark, kya main is kaam ko kar sakta hoon, can I jump kar sakta hoon, can I swim across the river, kya nadi ko paar kar sakta hoon tair ke, swim karke, to kaun kehta hai ki aap se nahi hoga, आपको हर चीज़ का आप हमको लिख के भेजिएगा, हम आपको व्हाट्सएप में नंबर आपको दे देंगे, दे दिए हैं आपको, बना बना के हम आपको कर देंगे, लास्ट सेंटेंस बोल के मैं इस वीडियो को बंद कर देता हूँ, राइट, लिखे हाउ फार डू लिव, हाँ हाउ फार डू लिव, वे यू हैव टू गो नाउ।
वेयर यू हैव टू गो नाउ, अभी आपको कहाँ जाना है। मान के चलो घर बहुत दूर में है, देयर इज़ नो कन्वेंस मतलब सवारी, गाड़ी उड़ी नहीं है, डोंट वरी, वेट फॉर सम टाइम एंड प्रॉब्ली इन आवर्स टाइम आई विल गिव यू अ लिफ्ट। तो एक घंटा रुक जाओ, एक घंटे के बाद निकलेंगे यहाँ से तो हम तुमको लिफ्ट देंगे, तुम्हारे घर तक पहुँचा देंगे। कितना सुंदर चीज़ है, आप हिंदी बोलते हैं अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको इंटरनेशनल आदमी बनना है। आप दुनिया में जाएंगे, हर जगह पे जाएंगे, अच्छे अच्छे कंट्रीज़ में जाएंगे, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, आप मिडल ईस्ट में जाएंगे, कितनी बड़ी बड़ी कंट्री में जाएंगे, और आपको ये तजुर्बा आपको आगे ले जाएगी, एवरीवेयर यू विल बी सक्सेसफुल, सारे लोग आपको मानेंगे। और इंडियन, एक बात बता दूँ, इंडियन लोग का इंग्लिश बहुत अच्छा होता है, वर्ल्ड रैंक में आप देखेंगे इंग्लैंड के सारे यूरोपियंस का इंग्लिश बेकार है एकदम, सारे यूरोपियंस का इंग्लिश एकदम ज़ीरो पे है। मॉस्को वाले इंग्लिश बोलेगा आपको हंसी आएगी, अब रशियन इंग्लिश बोलेगा हंसी आएगी, जापनीज इंग्लिश बोलेगा आपको, चाइनीज़ इंग्लिश बोलेगा तो आपको बहुत हंसी आएगी, यूरोप में तो आपको बहुत ही हंसी आएगी, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, बगल में है बेल्जियम, उसके बाद डेनमार्क, उसके बाद है नॉर्वे, स्वीडन, उसके बाद रोमानिया, तंजानिया अभी को पार्टन, आपको बहुत सारे कंट्रीज़ है, ऑस्ट्रिया, आपको बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, रोमानिया, अब इस सारे इसका इंग्लिश बोलेगा तो आपको हंसी आएगी। आई थिंक दैट इंडियन स्पीक अ वेरी बेटर और वेरी गुड इंग्लिश दैन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के और भी बहुत सारे कंट्री है, आप अमेरिकन से भी अच्छा इंग्लिश बोल सकते हैं, अमेरिकन का इंग्लिश बहुत ही बेकार है, जो हम एकदम पसंद नहीं करते। आई गो बाय द इंग्लिश ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और इंग्लैंड, ब्रिटिश इंग्लिश, जो इंग्लैंड का भाषा है वो भाषा कहीं और नहीं पैदा हुआ है, जैसे हमारा हिंदी भाषी हम लोग हैं वैसे इंग्लिश भाषा इंग्लैंड का है, लेकिन हम सीख रहे हैं बिकॉज इंग्लिश चारों वर्ल्ड में फैलाया हुआ है। आज भी हम लोग डेट को हिंदी में नहीं लिखते हैं, अब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं, डेट 1, 2, 3, 4 अगर हिंदी में लिखिएगा तो कहीं चलेगा काम आपको, आप केवल वही चुन के काम कीजिएगा, इंग्लिश में मंडे ट्यूसडे लिखेगा और पढ़ेगा हिंदी में, लॉ पढ़ने जाइएगा हिंदी में, मैनेजमेंट पढ़ने जाइएगा हिंदी में, भूल जाइए, जितना जल्दी सीखिएगा, जितना जल्दी जानिएगा, जितना जल्दी समझ में आएगा उतना फ़ायदा मिलेगा, और जितने डिले कराइएगा अपने ज़िंदगी का गाड़ी लेट होता जाएगा, उससे आपको काम नहीं बनने वाला है, यू विल रिपेंट वन डे, रिपेंट करना मतलब अफसोस कीजिएगा, तो अफसोस करने से पहले उस समय में आपका ज्ञान आ जाए, बुद्धि आ जाए, आपको ये समझ में आ जाए कि व्हाट आई हैव टू डू, और आप बिल्कुल अच्छा करेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।